इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड्स कि अगर आपको अपने सैमसंग गैलेक्सी 803 कोर मोबाइल फोन में जब आप डायलर सेटिंग में आते हैं तो आपको एक सेटिंग देखने को मिल रहा है क्विक डिसलाइंस मैसेज का। तो ये सेटिंग क्या होता है, जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो इस तरीके का आपको ऑप्शन शो करता है। तो ये सब सेटिंग क्या होता है, इसका क्या यूज है, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल के ऑप्शन पर जरूर क्लिक करिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ ये सेटिंग मिलता है कहाँ पर, जब आप अपने सैमसंग गैलेक्सी 803 कोर मोबाइल फोन के कॉल डायलर में जाएंगे, ऊपर आप यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, सेटिंग पर क्लिक करेंगे, इसमें आपको यहाँ क्विक डिसलाइंस मैसेजेस का ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे प्लीज टेक्स्ट मी, कैन यू कॉल बैक लेटर, आई कॉल यू बैक लेटर। तो ये सेटिंग देखिए तब आप यूज कर सकते हैं जब कोई बंदा आपको कॉल कर रहा है और उस टाइम दोस्तों आप जो है काफी ज्यादा बिजी हैं। लेकिन दोस्तों साथ साथ आपको यह भी चाहते हैं कि हम जो है उसे एक छोटा सा मैसेज सेंड कर दें कि अभी हम बिजी हैं, या फिर दोस्तों हम आपको बाद में कॉल करेंगे, या फिर आप हमको बाद में कॉल करिएगा। तो ये सेटिंग यही है। तो यहाँ पर कुछ टेक्स्ट आपको ऑटोमेटिक लिखा होता है कि मिल जाएगा, जैसे प्लीज टेक्स्ट मी, कैन यू कॉल बैक लेटर, मतलब कि आप हमें बाद में कॉल करिएगा, और आई कॉल यू बैक मतलब हम आपको बाद में कॉल करेंगे। और दोस्तों अगर आप यहां पर अपनी तरफ से कुछ टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो आप यहां राइट न्यू मैसेज पर क्लिक करके वो ऐड कर सकते हैं। जैसे दोस्तों देखिए हम यहां पर अभी टाइप कर देंगे, मैं आपको बाद में कॉल करूंगा। चलिए मैं यहां पर टाइप कर देता हूं। तो आपने देखा मैंने एक जो है टेक्स्ट ऐड कर दिया है। टेक्स्ट ऐड करने के बाद आपको प्लस आइकॉन पर क्लिक कर देना है तो ये टेक्स्ट भी आपके जो है क्विक डिसलाइंस मैसेज में ऐड हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए क्या होगा कि दोस्तों अगर आपको दोस्तों कोई भी पर्सन जब दोस्तों कॉल करता है तो दोस्तों देखिए कॉल करने के टाइम इस तरीके से आपका इंटरफेस रहता है। तो देखिए अगर आप दोस्तों बिजी हैं और अगर आप उसके कॉल को रिसीव नहीं करना चाहते लेकिन साथ साथ आप उसको एक छोटा सा मैसेज भी सेंड करना चाहते हैं, तब देखिए आपको नीचे यहाँ सेंड मैसेज का ऑप्शन मिल जाएगा। तो दोस्तों आप जैसे ही दोस्तों यहाँ सेंड मैसेज पर जब आप क्लिक करेंगे तो फिर दोस्तों देखिए आपके सामने इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा, जो ऑप्शन आपके क्विक डिसलाइंस मैसेज सेटिंग में जो है ऐड रहता है या जो आपने सेट किया है। जैसे आप देख सकते हैं मैंने सेट किया था मैं बाद में कॉल करूंगा, तो ये भी है, और प्लीज टेक्स्ट मी, कैन यू कॉल बैक लेटर, आई कॉल यू बैक। तो आप इसमें से किसी भी मैसेज पर जब आप यहां पर क्लिक कर देंगे तो ये मैसेज जो है उसके पास चला जाएगा और दोस्तों वो जो है ये समझ जाएगा कि आप उसको क्या कहना चाहते हैं या फिर आप उसको क्या बोले हैं। और दोस्तों अगर आप कोई मनपसंद मैसेज लिखकर भेजना चाहते हैं तो आप यहां राइट ए न्यू मैसेज पर क्लिक करके आप कोई मनपसंद मैसेज भी भेज सकते हैं उसको लिखकर। तो इस तरीके से आप जो सैमसंग गैलेक्सी 803 कोर मोबाइल फोन में आप क्विक डिसलाइंस मैसेज सेटिंग को यूज कर सकते हैं, मतलब कि आप जो है क्विक मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा।